हाथ से दही या दूध का गिर जाना जल्द दौलतमंद हो जाने की निशानी है। घर में शहद की मक्खियों का छत्ता बनाना रिज़्क की बारिश होने की निशानी है। सुबह सवेरे आंख खुलते ही छींक का आ जाना धोखा मिलने की निशानी है। सोते वक्त माथे पर पसीने का आ जाना लंबी उम्र होने की ठोस निशानी है। जिस घर में अजवा खजूर का दरख्त हो उस घर में 100 साल तक गुर्बत नहीं आती। जिस घर में काली भेड़ होती है वो घर बदनजरी से हमेशा बचा रहता है। जिस घर में सफ़ेद घोड़ा होता है ऐसे घर में कभी गम और दुख कदम नहीं रखते हैं। हाथ से रोटी का लुकमा गिर जाना जल्द रिज़्क कम हो जाने की ठोस निशानी है। रोटी खाते वक्त मुंह से लुकमे का गिर जाना जल्द दौलतमंद होने की निशानी है। इबादत में दिल का लगना अल्लाह को पसंद आ जाने की बड़ी निशानी है। कानों के अंदर खारिश का होना यादाश्त कम हो जाने की निशानी है। घर में अचानक मेहमान का आ जाना घर में खुशखबरी आने की निशानी है। बार बार बात का भूल जाना एक सच्चे और वफादार बंदे की निशानी है। हंसते हुए आंख में आंसू का आ जाना मुखलिस बंदे की ठोस निशानी है। सोते वक्त बेचैनी का महसूस होना जल्द मेहमान आने की निशानी है। बाएं जानब सोते हुए डरावने ख्वाब का आ जाना घर में काले जादू की निशानी है। अगर कोई औरत ख्वाब में अपनी दूसरी शादी होते देखे तो ये माल की ज्यादती की निशानी है। अगर शोहर ख्वाब में अपनी दूसरी शादी होते देखे तो ये जल्द दौलतमंद होने की निशानी है। बिल्ली का दूध पी जाना घर में गुर्बत आने की ठोस निशानी है। घर में बिच्छू का बच्चे देना घर में जादू होने की निशानी है। हाथ से नमक का गिर जाना जल्द रिज़्क बढ़ने की निशानी है। घर में बटेर का उड़कर आ जाना घर में आफतें आने की बड़ी निशानी है। घर में 2 कौओं का एक साथ आ जाना घर में चोरी हो जाने की निशानी है। अचानक कानों का बंद हो जाना जल्द खुशखबरी मिलने की निशानी है। अचानक पेट में दर्द उठना अल्लाह के राजी हो जाने की निशानी है। अल्लाह वाले की सोबत में रहना अल्लाह के राजी होने की निशानी है। शहद की मक्खी उल्टी पड़ी हो और सीधा होने की कोशिश कर रही हो तो समझ जाओ घर में 40 दिन के अंदर रिज़्क की बारिश होने वाली है।